अयोध्या तपस्वी छावनी पीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर विरोध जताया और घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग की। अयोध्या तपस्वी छावनी पीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर विरोध जताया। बांग्लादेश की सेना मुर्दाबाद, बांग्लादेश की सेना मुर्दाबाद। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको जिंदा सड़कों पर रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी ISIS के इशारे पर उपद्रवियों से मिलकर हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की सेना उपद्रवियों से मिलकर के हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ गैंग रेप कर रही है और लगातार हिंदुओं के घर में आग लगाई जा रही है, हिंदू की दुकानें लूटी जा रही है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ के फेंकी जा रही है। इसलिए भारत से जितने भी हम सभी हिंदू हैं, हम सब बहुत दुखी हैं। आज अयोध्या से बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज हमने लातों से कुचल करके जलाया है, क्योंकि बांग्लादेश की सेना ISIS से मिलकर के उपद्रवियों के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ गैंग रेप कर रही है और उनको जो है रस्सी में बांध के खींचा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, वो बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को कुचल कर जलाया है और संयुक्त राष्ट्र से मेरा कहना है कि 24 घंटे के अंदर वहां की स्थिति पर कंट्रोल किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भारत कुछ करेगा तो बाद में चिल्लाना नहीं, और वहां बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि एक मिनट में वहां की आर्मी को धूल में मिला देंगे। भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश के हिंदू भारतीय हिंदू हैं, वहां उनको नेशनलिटी नहीं दी गई है। बांग्लादेश में जो आतंकवादी हो गए हैं और जो 3 करोड़ यहां भारत में घुसपैठ करके बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, इनको जल्द ही बांग्लादेश भगाया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में आतंकवाद ने पैर पसार लिया है और जो 3 करोड़ यहां भारत में घुसपैठ करके बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, इनको जल्द ही बांग्लादेश भगाया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।